हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैकेज, अ स्पेस फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा वर्कशॉप चल रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल की, जहां डे 3 के अंदर हमने इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में सीख चुके थे। आज डे 4 के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग की, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है और मेनली पहले होता क्या है स्टोरी टेलिंग। उसके बाद हम ये देखेंगे क्या की एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी टेलिंग में हमारे काम आते हैं और कैसे हम एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारी पब्लिक के सामने, ऑडियंस को कैसे इंगेज करना है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो अगर बात करें स्टोरी टेलिंग होता क्या है, स्टोरी टेलिंग का बेसिक सा मीनिंग ये हो गया कि आप लोग अपने अंदर की भावना एक्सप्रेस कर रहे हो किसी सामने वाले पर्सन को एक स्टोरी की फॉर्मेट में, मतलब आप उसको इंगेज करना चाहते हो, अपने मन का काम करवाना चाहते हो। अगर आप पब्लिक स्पीकर हो तो आपको स्टोरी टेलिंग की आर्ट आनी ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत मेजर एस्पेक्ट बन जाता है स्टोरी टेलिंग उस टाइम पे जब ऑडियंस आपके साथ इंगेज ना होना चाह रही हो या आप किसी एक अलग ही ऑडियंस के सामने आ गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, ए पर्सन है, वो एक पब्लिक स्पीकर है, वो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड बात करता है या टैक्स से रिलेटेड बात करता है, और अगर मैं उसको कल्नरी आर्ट्स वाले बंदों के सामने या ऑडियंस के सामने भेजूँ तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर उसको ज़बरदस्ती है कि भाई तुझे बताना ही है, उनको कुछ ना कुछ तो तेरे को स्पीकर तेरे को हम भेज रहे हैं, तुझे बताना ही पड़ेगा, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन आ जाता है स्टोरी के साथ उनको समझाने का कि ऐसा ऐसा हो सकता है, भले ही उसके पास कोई ज़्यादा स्पेसिफिकेशन उस चीज़ की ना हो। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी ऑडियंस के ऊपर कि कैसे आप उनको इंगेज कर पाते हो अपनी तरफ, अपना काम करवाने के लिए। देखो यार, हर कोई स्टोरी टेलिंग का मेजर रोल ये रहता है कि आप ऑडियंस से जो चाह रहे हो ना, अगर ऑडियंस से आप, जैसे मैं बताऊं, अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं, शूट करता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस मेरे साथ सब्सक्राइब करे, मेरे चैनल को मेरे पास आए, हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े। लेकिन अगर मैं ऐसे आऊं, हर रोज़ आऊं और सिर्फ ये बोल के चला जाऊं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बस, तो ऐसे तो कोई आएगा नहीं। हमारे को पूरा कंटेंट बनाना पड़ता है, एक एक चीज़ को हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम हर चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं और फिर डिलीवर करते हैं कंटेंट को, ये भी एक स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट है। अगर मैं बात करूँ स्टोरी टेलिंग के थोड़ा सा हिस्टोरिक वे में, तो यार हमारे कल्चर के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर स्टोरी टेलिंग का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। सब सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, दादी माँ की कहानियाँ, वो सारे उन्होंने सुन रखी हैं, लेकिन उनके पीछे कोई भी एजुकेशन, कोई भी इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेशनल के लिए हम ज़रूर स्टोरी का यूज़ करते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ मेन क्या एलिमेंट्स होने चाहिए अगर आप स्टोरी टेलिंग के अंदर हो या आप पब्लिक स्पीकर हो, आप आगे स्टोरी टेल करने जा रहे हो, किसी इंसान को स्टोरी सुनाने जा रहे हो, अपनी ऑडियंस को इंगेज करने वाले हो, तो क्या एलिमेंट्स रहने चाहिए आपकी स्टोरी के अंदर। पहला एलिमेंट, आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। पहली बात तो अगर मेरे को कहीं स्पीकर के एज अ स्पीकर मेरे को बुलाया जाता है, अगर मैं जा रहा हूँ किसी टेक फेस्ट में, तो मैं मेडिकल बैकग्राउंड का तो चीज़ें सीख के जाऊँगा नहीं, या मैं कल्नरी आर्ट्स का तो सीख के जाऊंगा नहीं। मुझे टेक से रिलेटेड पता होना चाहिए कि हाँ, मेरी ऑडियंस आने वाले टेक से रिलेटेड, जिनको टेक की चीज़ें जाननी है, जिनको टेक सुन के अच्छा लग गया, जो टेक से रिलेटेड मेरे से जुड़ने आए हैं, तो मैं टेक से रिलेटेड चीज़ों की तैयारी करूँगा स्पीकिंग के अंदर। जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं टेक से रिलेटेड कोई भी स्टोरी सुना सकता हूँ वहाँ पर, या टेक से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ बता सकता हूँ जिससे ऑडियंस मेरे साथ इंगेज हो जाए। अब मैं बात करूँ अगर दूसरे पॉइंट की, तो हमारे को कोई इमेजिनरी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लेके आने पड़ते हैं हमारी स्टोरी के अंदर, क्योंकि जो किसी भी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स ही मेन जान डालते हैं। अगर आप बात करो, कोई आप बॉलीवुड की मूवी देख रहे हो या साउथ की मूवी देख रहे हो, आप पूरी मूवी देख रहे हो, कोई जैसे मैं सोचता हूँ पठान सामने देखी, शुरुआत से लेकर एंड तक में ये बता दो किस किस को, चलो पठान छोड़ो, तुम ये बताओ मनी हाइस्ट तो सबने देखी है। अब मनी हाइस्ट के अंदर शुरू से लेकर लास्ट के सीज़न तक ना, आधे लोगों का बस मन में ही आएगा कि यार ये मैं तो प्रोफेसर जैसा ही बनूंगा। क्यों? वो एक आर्ट है, उसके अंदर उन्होंने प्रोफेसर का कैरेक्टर इस तरीके से पोर्ट्रे करा है कि हाँ, सब लोग उसके जैसा बनना चाह रहे हैं। तो आप भी स्टोरी टेलिंग के अंदर ऐसे कोई इमेजिनरी कैरेक्टर्स लेके आ सकते हो जिससे कि पीपल आपके साथ इंगेज रहे, उनको ये लगे कि हाँ, हम भी ऐसे ही हैं, हम उनके साथ, उनको इंगेजमेंट महसूस होनी चाहिए, वो रिलेट करने चाहिए। ये होता है एक बेसिक मतलब किसी भी पर्पस और एक सक्सेसफुल स्टोरी का मेन रोल ही ये होता है कि उसके अंदर एक अच्छे कैरेक्टर्स हैं, एक अच्छी स्टोरी है। अब अगर मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा एलिमेंट बनता है, तो यार कैरेक्टर्स आप ढूंढ लोगे, ऑडियंस पता चल जाएगी।
फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट भी होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं अब हर कोई, अब बॉलीवुड की थोड़ा मूवी बनानी है, तो प्लॉट अच्छा होना चाहिए आपके पास। जैसे अगर मैं बात करूँ एक अच्छे प्लॉट की, मनी हाइस्ट को एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। मनी हाइस्ट का प्लॉट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी समझदारी से उन्होंने दिखाया, पोर्ट्रे किया उनकी चीज़ों को कि वो क्या सोचते हैं, हर एक चीज़ की बारीकियों पे ध्यान दी। अगर किसी ने अवतार मूवी देखी हो अभी जो रिलीज़ हुई है, द वे ऑफ वाटर, या उससे पहले वाला उसकी देखी हो जो रिलीज़ हुई थी, तो उसमें भी आप लोग ये देखो ना उनके कैरेक्टर्स को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, क्या स्टोरी लाइन है, वो हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से लिंक हो रही है, कनेक्टिंग द डॉट्स। ये जो बात कही जाती है ये ऐसे ही नहीं कही जाती, इसका भी एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मीनिंग रहता है। अगर मैं बात करूँ किसी भी स्टोरी के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, एक कैरेक्टर्स और एक आपके स्टोरी का प्लॉट। प्लॉट अच्छा है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, स्टोरी डेफिनेटली चलेगी। अगर आप बात करो कि आपके पास ना प्लॉट अच्छा या ना कैरेक्टर अच्छा, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं ना। अगर एक एग्जाम्पल लेके चलो, अगर आपको मैं बोलता हूँ कि भाई आपको जाना है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, आपको ऐसा पब्लिक स्पीकर जाना है, आपको वहाँ पे एक स्पीच दे रही है, इंगेज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा मेरे हिसाब से, वो रहेगा स्टोरी टेलिंग। लेकिन आप स्टोरी किस चीज़ की सुनाओगे, अगर आपको कुछ नहीं पता उस फील्ड के बारे में, तो भाई सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत आती है, आपको पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जो हमारा चौथा एलिमेंट रहेगा वो होता है रिसर्च करना। आपने स्टोरी का प्लॉट सोच लिया, ऑडियंस सोच ली, और आपने अपना कैरेक्टर सोच लिया, अब आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी स्टोरी के ऊपर, जो बेस लाइन है उसकी, जो थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ हैं उसकी, उस पर काम करना पड़ेगा। अब ऐसे एवेटार मूवी है, उसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे ह्यूमंस एक उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे बचते हैं, वो क्या चीज़ें होती है, क्या साइंटिफिक तरीके हैं, उनके दिमाग से खेला जा रहा है हमारे साथ, हमारे को माइंड में ये पोर्ट्रे करा के भाई ऐसा हो सकता है। तो हमने ऐसे तो नहीं सोच लिया, अगर कोई भी नॉर्मल आंसर आपको आके आगे आके बोलता है कि भाई तुझे रिप्लेस कर देंगे ऐसे एआई से, या तेरे को तेरे हम कुछ बना देंगे, एलियंस आ जाएंगे, तो आप कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं किसी साइंटिफिक बंदा आके बोल रहा है, या कोई आपको साइंटिफिक प्रूफ दिखा दूँ, या कोई भी ऐसी आप लोगों ने नॉर्मली जवान पठान देखी है, जवान तो आएगी यार, पठान देखी है, उसके अंदर वो हेलीकॉप्टर निकाल लेता है, आपको लगता है सच्ची में ऐसे निकाल सकता होगा, वो असलियत में हो सकता है नहीं, लेकिन वो शाहरुख खान है, तो उसको पोर्ट्रे ही ऐसे किया गया, उसके ऊपर रिसर्च ऐसे करी गई है, उसकी जो ऑडियंस है उसके ऊपर ऐसी रिसर्च करी गई कि हाँ अगर शाहरुख खान कर रहा है तो कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। अगर मैं पाँचवीं चीज़ की बात करूँ, वो रहेगी आप स्पेशल लैंग्वेजेस यूज़ करना, इमेज को निकालना, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस यूज़ करना। अब जैसे आप बात करोगे, हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन वो हमारी दिमाग में, आप सोच के हटाओ, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप जरूर थोड़ी ना आप ऐसी चीज़ बोल जाओगे, नॉर्मल आप बात कर रहे हो, कुछ आप लोगों को होता है ना कि भाई आँखों आँखों में बात हो गई है, उसके बारे में हम ये कह रहे थे, उसके बारे में हम ये कह रहे थे, वो चीज़ें आपको स्टोरी के अंदर लेके आनी पड़ेंगी। आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक ऐसी टैग लाइन्स, ऐसी कुछ ऐसी स्पेशल मसाला छिड़कना पड़ेगा आपको अपनी स्टोरी के अंदर, जिससे ऑडियंस आपकी तरफ इंगेज हो, लगे कि हाँ भाई अगर ये कुछ कह रहा है तो वो सच ही होगा। तो यही सब मेन एलिमेंट्स रहते हैं हमारी किसी भी स्टोरी टेलिंग के अंदर। तो अब अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दो दिया ये होता है स्टोरी टेलिंग, अब आप लोगों का सवाल आ रहा है भाई तुम्हें आती है, अब देखो मेरे को आती है नहीं, ये तो आप बताना, क्योंकि अब आपको मैं सुनाने वाला हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी। चलो, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो लोग होते हैं कि एक थोड़ी सी काल्पनिक स्टोरियों पर ज़्यादा चलते हैं, आज मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का, जिसके एम्बिशंस तो बहुत बड़े थे लेकिन उसके पास फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें थी। उसके पापा काम करते थे प्राइवेट, उसकी मोम भी हाउस मेकर थी, उसकी एक बहन थी। अब बात करें तो उसने जैसे तैसे करके अपनी 10th क्लियर करी, 11th 12th उसकी क्लियर हुई, इस बीच में उनके घर बिक गया। इन केस ये हुआ कि उसके पापा जहाँ पे काम करते थे वो बंद हो गया, तो उनके पास रेंट तक पे करने के पैसे नहीं थे, तो उसका घर बिक गया। अब उसको अपने घर को चलाना था तो उसने अर्निंग स्टार्ट करी, यहाँ से उसकी पहली अर्निंग शुरू हुई जर्नी,
जहाँ पे वो पढ़ाने लगा अपने से छोटे उम्र के बच्चों को ताकि अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके। उसके बाद ना उसने कोई फॉर्मल टीचिंग ली, ना कोई किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में गया, कहीं ज़्यादा जाके पढ़ाई करी नहीं, लेकिन हाँ एक जज्बा था कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए। उसके पास हर टाइम ये मोटिवेशन दिमाग में रहता था कि यार अब मेरा घर चला गया है, अब हम किराए पे आ गए हैं, एक बसे बसाए घर से एक किराए पे घर पे आने में बहुत बड़ा मेजर ड्रास्टिक चेंज होता है। किसी भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो क्या किसी रिच मिडिल क्लास रिच के लिए भी होगा, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। अब बात करें उससे आगे की, तो उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग के अंदर उसने कल्चरल क्लब के अंदर नुक्कड़ नाटक्स वगैरह और ड्रामेटिक क्लब्स को ज्वाइन किया, उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन अब बात आती है मेन, इसके बाद हुआ यूं कि उसको ये लगने लगा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई से उसका कुछ आगे भला होने नहीं वाला। उसको मेन ये था कि मुझे आगे अच्छी जॉब लग जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से लोगों का चल रहा था उसको कुछ अलग करना था, कुछ ऐसा हटके कि वो एक लाइफ में अच्छे लेवल पे सक्सीड होए। तो उसने इंजीनियरिंग के दौरान ही एक अपने ही शहर के एक छोटे से इंस्टीट्यूशंस में, छोटा तो नहीं कहूँगा, उस टाइम पे एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। एज अ टीचर वो वहाँ पर गया, उन्होंने कहा कि मुझे आपके वहाँ पर पढ़ाना है तो पढ़ाने दीजिए। वहाँ गया, वहाँ पर उसको पढ़ाने का मौका मिला। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद उसने पहली क्लास ली, अटेंड करी, सारे बच्चे खुश हो गए उससे, इतना खुश कि सब बच्चे उससे ही पढ़ना चाहते थे। उसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था, वो दिल लगा के पढ़ाता भी था, उसका पैशन था पढ़ाना, उसकी मजबूरी नहीं, उसका पैशन था पढ़ाना। अब वो पढ़ाने लगा, धीरे धीरे बच्चों के अंदर उसका घुलना मिलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। अब ये बात उस इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को खटकने लगी। उस इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट ने उस बच्चे को, उस इंसान को ये कह के निकाल दिया कि भाई तू ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है इसलिए हम तुझे निकाल रहे हैं, इसलिए नहीं कि तू कम अच्छा पढ़ा रहा है, तू ज़्यादा ही अच्छा पढ़ा रहा है इसलिए तुझे निकाल रहे हैं। क्योंकि उस इंस्टीट्यूट को ये डर था कहीं इसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ना हो जाए कि हमारा इंस्टीट्यूट ही बंद हो जाए, सिर्फ लोग इसी के वजह से हो, उसको एक अच्छा लेवल पर नहीं लाने दिया। फिर वो यूट्यूब पर आया, उसने फेसबुक पेजेस बनाए अपने, वहाँ पे धीरे 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 ग्रोथ हुई। फिर हुआ यूँ कि उसने फिर अपना यूट्यूब चैनल अच्छा था, थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े उसके। उसको तो ये तक नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी कमा सकते हैं, मोनेटाइजेशन का उसको उस टाइम पता नहीं था। जब उसे पता चला उसने मोनेटाइजेशन ऑन करी, थोड़ा बहुत पैसा आया। उसके बाद उसने यूट्यूब से जो कोर्सेज थे वही उसने अपनी एक टीम के थ्रू एक ऐप बनवाई कि हाँ हम बच्चों को, वो एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना चाहता था अपने इस देश के अंदर कि जो चीज़ें की कमी उसको महसूस हुई कि पैसे की वजह से जहाँ वो नहीं पढ़ पाया किसी अच्छी कोचिंग के अंदर, वो चाहता था कि वो कमी और किसी को महसूस ना हो। इसलिए उसने एक ऐसी ऐप बनवाई अपने कहने पे टीम से कि एक ऐसी ऐप बनाओ जिसमें कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके किसी भी बच्चे को। उसके बाद ऐप शुरू हुई, पहला दिन ऐप क्रैश, लोगों को लगा ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों को क्या पता था यही तो उसके बनने की शुरुआत थी। उसके बाद हुआ यूँ कि उसके ऐप पे धीरे 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 डाउनलोड्स बढ़ते गए, धीरे 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 बच्चे आते गए, सब जुड़ते गए, लोगों का प्यार मिलने लगा। उसने अपने यूट्यूब चैनल को एक ब्रांड बनाने की सोची, उसने अच्छा सा यूट्यूब चैनल ग्रो करना शुरू करा। वो वहाँ से टीचर्स लेके आया, टीचर्स के साथ सही चल रहा, थोड़े टाइम सब कुछ सही चल रहा, बिल्कुल नॉर्मल, सब अच्छा हो रहा है, यूट्यूब चल रहा है, टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छा खासा अर्निंग हो रही थी, इतनी कि उसका घर परिवार काफ़ी अच्छे से चल जाए, इतनी अर्निंग वो करने लग गया था और अपने घर परिवार को सपोर्ट भी वो कर रहा था। फिर उड़ते सूरज को सबको सलाम करना चाहता है, उसके पास आता है एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का एक ऑफ़र कि भाई अब अपने आप को हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हम आपको इतना एक्स अमाउंट दे देंगे। लेकिन उसके पास शर्त ये थी कि उसको अपने कोर्सेज की फ़ीस बढ़ानी पड़ती, उसका जो मेन रेवोल्यूशन का आइडिया था उसने वो नहीं छोड़ा, उसने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। और शायद अगर वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता तो उसकी 3 पीढ़ियाँ तक आराम से बैठ के खा सकती थी, इतना अच्छा ऑफ़र था उस टाइम से रिलेटेड में। उसके बाद उसने तो मना कर दिया,
लेकिन सेम ऑफर कुछ उसी के टीचर्स को दिया गया, वो टीचर्स मना नहीं कर पाए, उन्होंने वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, जिसका उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचा, वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ। लेकिन अब हर कोई जिसको दबाने की कोशिश कर रहा होता है ना, स्प्रिंग को कितना ही दबा लो, जब वो उछलती है तो बहुत ज़्यादा उछलेगी। ऐसा ही हुआ, टीचर जहाँ गए वो और नए टीचर्स लेके आया, उसने रुका नहीं, और आज के टाइम पे वो इंडिया की 101st यूनिकॉर्न कंपनी का मालिक है। अगर आप उसको गैस कर पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर मेंशन करके जाना। थैंक यू।